ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಮಲಗಿರೋದು ಏನ್ ಯಾಕೆ ಮಲಗಿರೋದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಲಗಿರೋದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಹೆಸರೇನಣ್ಣ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿಯವ್ರು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ ಯಾವ ಊರು ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। कर्नाटक मैसूरू के केयर अस्पताल में यहाँ पे आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में यहाँ पे मरीज रहते हैं। यहाँ पे एक जो है आदमी गिरा पड़ा हुआ है, अभी अभी शायद उसका दम गया होगा। यहाँ पे दूसरा आदमी उधर की तरफ है। यहाँ पे प्रशासन जो है देखने के बाद भी जो है इसकी लापरवाही की है। व्यूअर ने हमें खबर दी के फौरन हम लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। आइए अब हम उनसे बात करेंगे। मेरा कहना यह है कि इस तरह की जो है यहाँ पे एक आदमी पड़ा है, प्रशासन यहाँ पे है, पुलिस चौकी यहाँ पे है, क्या लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है? क्या पैसों के लिए अस्पताल चलाई जाती है? ये सरकारी अस्पताल है। मैं चामराजा क्षेत्र के MLA हरीश गौड़ा से अपील करता हूं कि यहाँ पे वो आए, यहाँ की हालात को देखे, यहाँ के हालात को समझे। और यहाँ पे हाल ही में जो है हमारे कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर भी आए हुए थे। क्या इसी तरीके की अस्पताल चलाई जाती है? क्या लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो उनको जो है फुटपाथ पे डाल दिया जाता है? ये किसने डाला है ये मुझे तो मालूम नहीं। कि हमारे एक व्यूअर ने हमें जो है खबर दी, अचानक जो है हमारी टीम यहाँ पे आई हुई है। हम आइए अब हम उस व्यूअर से बात करेंगे कि उन्होंने कब इन लोगों को देखा है और उनको ये कैसे पता चला। आपका नाम क्या? जुबैर अहमद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नंजनगढ़ के रहने वाले जी। आप यहाँ पे क्या वास्ते आए थे? हमारे एक रिलेटिव को देखने आए थे जी। 5 दिन से यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। तो आपकी नजर इस पे पड़ी? हाँ। 5 दिन पहले आया था, तब भी ऐसे ही पड़ा था, वो इधर पड़ा था जी। 5 दिन के बाद फिर आया हूँ, अभी वो वहाँ पे पड़ा है। सुबह समय लोग क्या इसी आदमी को देखे थे? इसी आदमी को देखा है जी जी जी। सुबह से आदमी लोग फिर रहे हैं, चल रहे हैं, सिर्फ क्या हो गया क्या हो गया इतना ही बोल रहे हैं, कोई उसको देख नहीं रहा है। हम बोले भी उनको जाके डॉक्टर उसको थोड़ा कंसल्ट करके देख के आके बोलो बोल के, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। मैं तो खुद जा नहीं सकता, मैं हैंडीकैप्ड हूँ। दूसरे लोगों को बुला के बोला, कोई भी नहीं किया, हेल्प नहीं किया उसका। देखो अब दम चला गया जी। अब दम जाने के बाद भी जो है ना पुलिस यहाँ पे आई है, ना यहाँ की प्रशासन आई है, कोई भी यहाँ तक नहीं आया है? नहीं आया। तो ये कहाँ का आदमी है किसी को मालूम नहीं? किसी को पता नहीं है। क्या इंसानियत के नाते इस तरीके का छोड़ना सही समझते हैं आप? बहुत गलत है जी। हमको भी एक दिन मौत आएगी जी। ये सब लोग भूल रहे हैं, यहाँ हमें वापस जाना है। ये सब लोग भूल रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, किसी को इंसान की फिक्र नहीं है। मरने वाले को मरने छोड़ के आराम से बैठे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है इस हालात में भी जो है इसको देखकर जो है हमें मालूम कराया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मानवता की कदर करने के लिए मैं आपको सलाम करता हूं। राजू ग्राम नम नोड़ कास्पल ग्राम ಉಲ್ಲಾಸನ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು 2 ದಿನ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ನೀವು? ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2 ದಿನ ಆಯ್ತು. ಒಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಸಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರಣಿಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಬಿದ್ದಿರೋರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಾತಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಇಂಥವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ನೀಟಾಗಿರ್ಲಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ತರ ಕೆಟ್ಟ ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದಿರ ಹೆಲ್ಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪೂರೇ ಮಿಲ್ಕೆ ಇದು ಹೇ ಬಹುತ್ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಸೋಚನಾ ಪಡೆಯೋದಾ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗೋತಿದೆ. ಈ ತರ ಬೇಜಾನ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತದೆ. सर नंगे ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे जो एडमिट होने के लिए कुछ पैसा लगता है क्या? सर यहाँ पे एडमिट
होने के लिए, तो हमारा पेशेंट तो जो एडमिट हो गए उनको क्या भी नहीं लगा है, वो कुछ बीपीएल कार्ड वगैरह बताना, बीपीएल कार्ड वगैरह देना पड़ता है, वहाँ जयदेवा में लगेगा जी, जो प्राइवेट है जी, जी। उसको लगेगा, वो दूसरा मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बहुत हो रहा है यहाँ पे, पैसे लगते हैं सर। मोहम्मद मोहसिन कहाँ के रहने वाले सर? मैसूर के, मैसूर के भारत नगर जी। यहाँ पे आने की वजह क्या है सर? अब्बा को एडमिट कर रहा हूँ जी। आप भी इस आदमी को देखे थे क्या सर? सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से देख रहे हैं, कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं सर इस मौके पर? ये बहुत गलत हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये कर्नाटक में तो कोई भी कुछ के देखता नहीं, किधर भी मरा तो रोड पे पड़े रहे तो भी देखता नहीं उसको, ओल्ड एज होम किसमें भी डालते नहीं। ये तो अस्पताल है ना सर? अस्पताल है, फ्री है ना, फ्री में भी इधर मशीन खराब है, वो खराब है बोल के बाहर भेजते हैं। मेरे रिपोर्ट में अब 1600 रुपए बाहर का करा लेके आया हूँ, बाहर का वो भी मशीन खराब है कहने में, देख सकते हैं आप 1600 रुपए बाहर का फ्री बाहर करा लेके आया। तो यहाँ वो डायग्नोसिस नहीं है, हाँ नहीं है कहते, खराब हो गई, इतनी बड़ी अस्पताल आए कहते है खराब हो गई, खराब हो गई, हाँ। तो मेंटेनेंस नहीं, नहीं है, कोई भी आपको पूछता नहीं इधर, खाली पैसा हो ना होता है इनको, उधर से भी कमीशन होना इधर से भी कमीशन होना उतना ही बस, इनको दूसरी बातचीत ही नहीं है। थैंक यू सर, क्या तो पूछ लेता हमें, गलत बोलते हैं इधर। अना अना याके मलगीर दो, याके मलगीर दो, नहीं वो याके मलगीर दो, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಇವಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಯಾವ ಊರು, ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು? इसी अस्पताल में इसी वक्त दूसरी जगह जो है यहाँ पे एक आदमी पड़ा हुआ है, इससे जो है बदबू आ रही है, लोग यहाँ से घूम रहे हैं, यहाँ से फिर रहे हैं, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इंसानियत खत्म हो गई है, मानवता खत्म हो गई है। कम से कम यहाँ के प्रशासन को यह जवाबदारी लेना चाहिए, यहाँ के जो गार्ड्स रहते हैं उनको देखना चाहिए कि कौन आया है, कौन यहाँ पे सो रहा है, किस लिए सो रहा है। मैं फिर एक बार चामराजनगर क्षेत्र के एमएलए हरीश गोड़ा से निवेदन करता हूं कि इस अस्पताल का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैसूर के नहीं बल्कि दूसरे दूसरे गांव से लोग यहाँ पे केआर अस्पताल का नाम लेकर अच्छे होने की उम्मीद को लेकर यहाँ पे आते हैं। और हरीश गोड़ा जी, आप जो है यहाँ का प्रशासन का पूरा पूरा ख्याल रखे और यहाँ के लोगों को सहूलत बनाने की पूरी पूरी आप कोशिश करें। केवी न्यूज को देखने के लिए आपका धन्यवाद सर।